बिहार के वाल्मीकि नगर विधानसभा से जदयू उम्मीदवार धीरेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ रिंकू सिंह ने प्रचंड बहुमत से जीत हासिल की। बता दें कि धीरेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ रिंकू सिंह एक युवा है। वह अपना चुनावी मुद्दा शिक्षा स्वास्थ्य के साथ ही इंजीनियरिंग कॉलेज एवं युवाओं को रोजगार बिहारियों को बल लेकर चुनाव मैदान में उतारे थे और वह लगभग 25,500 वोट से जीत हासिल किए और इसका श्रेय वाल्मीकि नगर विधानसभा की जनता को दिया और उनका आभार प्रकट किया। साथ ही बताया कि भ्रष्टाचार मुक्त बिहार बनाऊंगा, जीने के लिए मैं अपने विधानसभा के सभी अधिकारियों को चेतावनी भी पूर्व में दिया हूं कि पदाधिकारी अपना व्यवहार बदल लें, नहीं तो मैं आपको बदल दूंगा। इसके साथ ही विधायक धीरेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ रिंकू सिंह ने आज अपने जीत को लेकर विजयी जुलूस निकालने के क्रम में काफी जनसंख्या में कार्यकर्ता भी साथ में मौजूद थे। वाल्मीकि नगर से विजय जुलूस चलकर लक्ष्मीपुर, बेडीढारी, नोरगिया, लोकरिया, सेमरा के रास्ते बघा स्थित विभिन्न चौक चौराहों पर विजय जुलूस के द्वारा लोगों ने फूलमाला पहनाकर कर अभिवादन किया। जीत से जनता के आशीर्वाद से और जनता के सहयोग से मैं ये चुनाव जीता हूँ। मैं इसके लिए हमेशा जनता का कृतज्ञ रहूंगा। जो करते आ रहे काफी दिनों से मुंगेर पुल सर्कल चालू हो रहा है दो यार एकदम जब लेकिन जीतने के बाद क्या प्राथमिकता सिंचाई शिक्षा स्वास्थ्य आपको जनता ने भारी मदद से जिताया है। जनता ने आपको चुनकर भेजा है, अभी आगे क्या निर्णय होगा? आगे जनता ने जीता के भेजा है, इसके लिए मैं उनको धन्यवाद देता हूँ। मेरी जीत नहीं, वहाँ की जनता की जीत है। चलो ठीक है, बकरी विधानसभा जनता की। चलो बकरी है सर, उसको दूर करने का क्या प्रयास होगा आपके? आप जीत तो गए हो सर। जीत गए हैं तो हमारी सरकार बनेगी। समस्या मुख्य उद्देश्य क्या रहेगा सर? मुख्य उद्देश्य को लिए है, स्वास्थ्य को लिए है और रोजगार के लिए। महसूस कर रहे हैं, फीलिंग गुड। थैंक यू, फीलिंग गुड। क्या मीडिया दिखाता है उस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन हम लोग भारतीय जनता पार्टी के लोग जो चुनाव लड़े, जो हमारे कार्यकर्ता हैं वो जान रहे थे। कम से कम मैं तो बेगूसराय विधानसभा में फंसा रहा, तो बाहर का तो मैं नहीं जानता। बेगूसराय विधानसभा हम लोग सब लोग जानते थे कि हम जीत रहे हैं और हमने जीता। विधानसभा क्षेत्र में जनता को क्या जानता? आज सिर्फ मैं उनका चरण स्पर्श करता हूँ, उनको धन्यवाद देता हूँ। संदेश बस इतना ही कि आपने अपने बेटे को चुना है तो ये बेटा हर संभव प्रयास करेगा कि आपके आशाओं पे, आकांक्षाओं पे खड़ा उतरे। चीज जी होंगे और हमारा पार्टी अध्यक्ष प्रणाली में चलता है, राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कह दिया तो बात खत्म हो गई। चलिए, बहुत बहुत धन सर और बधाई हो। समझे ना जी, इसलिए मैं धन्यवाद चरिया बुढ़िया टूर के जनता को दे रहा हूँ कि विकास का काम जो है हम पूरा करने का प्रयास करेंगे। अगर हमारे मुख्यमंत्री बन जाएंगे तेजस्वी जी, तो और ज्यादा विकास का काम चिड़िया बुढ़िया टूर में करवा देगा। क्या लगता है जर्जर है जो कि 10 सालों से नहीं बन पा रहा, इन सब के लिए क्या? चुनाव में भी वादा किए थे कि चिड़िया बुढ़िया टूर विधानसभा से अगर हम चुनाव जीतते हैं तो सबसे पहले अनुमंडल अस्पताल का अति करें। सर ये आश्वासन तो नहीं रहा आज के लिए? बहुत बहुत अपना उद्देश्य आप लोगों को बताया है कि उद्देश्य मटियानी का जो समेकित विकास है वो होगा। मैंने कई तरीके के बातें करी थी। मेरी प्राथमिकता ये जरूर रहेगी कि कस्या दियारा का जो किसानों का मामला है उसको मैं जरूर निष्ठापूर्वक और पूरी ईमानदारी से उस मामले को निपटाने का प्रयास करूं। इसके अतिरिक्त मटियानी में जो सड़कें की हालत बदहाल हैं उनको ठीक करूं, मटियानी में शिक्षा की व्यवस्था, स्वास्थ्य की व्यवस्था, युवाओं के लिए बेरोजगारी की जो समस्या है स्थानीय स्तर पर रोजगार के नए अवसर पैदा हों, इन सारे क्षेत्रों में मैं प्रयास करूंगा। ऐसा मैंने हमेशा कहा और ये सारी मेरी प्राथमिकता है। अभी कुछ जानकर मैं अभी निकला हूँ, लोजपा की एक जीते हैं या क्या हुआ है पूरे बिहार राज्य में इसकी मुझे जानकारी नहीं है। जब मैं जाऊंगा उसके बाद पता लगेगा, फिर जो शीर्ष नेतृत्व तय करेगा वो क्या। ये जीत के श्रेय किसको दीजिएगा? ये जीत के श्रेय पूरी मटियानी की जनता को है, हमारे तमाम युवा भाइयों का है, हमारे तमाम यहाँ जितने कार्यकर्ता है नहीं है वो मेरे लोक जनशक्ति पार्टी हमारी एक जीती है और ये जीत पार्टी की जीत है और साथ में राजकुमार जी की जीत है और मटियानी की जनता की जीत है। सबसे बड़ी मटियानी की जनता की जीत है जो जनता इतने बड़े सम्मान देने का काम की है और सामूहिक योजना का जो आप लोगों ने सुना है कि समस्या है उसके लिए निर्माण किया जाएगा, उसके लिए हमारी पार्टी और
रखो अपने एरिया की खबर, लोकल अपडेट्स ओनली ऑन डेली हंट।